हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये सुबह का करवा चौथ वाले दिन का मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैं पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर दिया जाए अब इसी यहीं पर व्लॉग। और ये देखिए, मैंने कुछ छौंका था तो तेल का तेल जो था ना, उसके जो थी मेरे मतलब जलन कर रहा था आँखों में, तो बस बार बार झले लगे जा रही थी तेल की। तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेक ली थी। तो चलो व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। और ये देखिए, यहाँ पर बैठे हैं मंकी राजा। तो बहुत दिनों के बाद में मंकी आए थे, क्योंकि हमारे घर में डॉगी रहते हैं ना, तो मंकी अब नीचे नहीं आते, लेकिन आ चुके थे मंकी यहाँ पर। तो मैंने इनको सेब काट कर दे दिया था, तो है भी ये छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे थे। और ये देखिए, दोपहर में मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी, तो रोटी बस ये यहाँ पर रोटियाँ बना ली थी मैंने सारी। तो बस रोटियां बनाने के बाद, और सच में मुझे रोटियां बनाना बिल्कुल नहीं आता है, मैं अच्छी रोटी नहीं बनाती हूँ, ऐसा मेरे घर में सब बोलते हैं। और ये देखिए, ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है, मैंने जब मेहंदी लगवाई थी तो बच्चे बोलने लगे मम्मी अपनी मेहंदी दिखाओ इस तरह से करके, तो मैंने ये भी शूट कर लिया था। तो आप बताना आप सबको कैसी लगी मेरी मेहंदी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने दिखा दी आपको अपनी मेहंदी कैसे कैसे लगाई थी। और ये देखिए, ये करवा चौथ का टाइम हो चुका था, तो मेरी बेटी ना करवे सजा रही थी, तो मैंने यहाँ पर भी शूट कर लिया था इसको। और ये उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। तो अब की बार हमने बस ऐसे कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे जो पास में थे एक चाचा थे, तो उनकी डेथ एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब जो भी सामान था सब, मतलब कुछ नया नहीं लेकर आए थे, सब पुराने से ही कर लिया था। तो ये मेरी बेटी करवे रखे थे, तो उनको सजा रही थी। और आपको बताना कैसे कैसे लग रही है इसकी क्रिएटिविटी। मैंने कहा बेटा ऐसी रख दो, तो उसने कहा नहीं मम्मी बिंदी बिंदी सी लगा दी उसके अंदर, तो कलर से सजा दिया। और हमारे यहाँ ना चावल भी लगाते हैं करवों पर, तो वो भी लगा दिए ये इसने, चावल पीस कर ये मैंने लगा दिए थे। और देखिए, ये शोर आ रहा है इतना, और बहुत परेशान करता है ये शोर, इस वजह से मैं आपसे सामने से भी बात नहीं कर पाती हूँ। और देखो, खट 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 होती ही रहती है। और यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी ने कैलेंडर और करवे रख दिए थे, बोली थी कि मम्मी आप अब आगे का काम कर लेना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, आपने इतना कर दिया यही बहुत है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैंने तैयार होकर खाना बनाया है करवा चौथ का, क्योंकि बस मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो सारा काम बस मुझे ही करना था। तो मैंने सोचा चलो तैयार होकर ही खाना बनाऊं, क्योंकि बार बार कौन आए जाएगा दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ से तैयार होकर चली गई थी। और चलो अब चलते हैं किचन में। और ये देखिए, मैं आ गई थी किचन में। तो आज खाने में बनाएंगे हम मटर पनीर की सब्ज़ी और रायता और कांसी फल की सब्ज़ी। तो बस मैंने इस रेसिपी को शेयर नहीं किया है आपके साथ, बस ऐसी थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखा दी हैं। तो बस मैंने यहाँ पर तैयारी कर कर रख ली थी पनीर की। तो ये देखिए, बस हो चुकी थी पनीर की, और मैं इनको, और ये देखिए अब मैं यहाँ पर दोनों सब्जियों को छोंक दूँगी, कांसी फल को भी और पनीर को भी। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके, और बस कुछ भी नया नहीं पहनना है, सब पुरानी साड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ थी, और चूड़ियाँ भी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वही पहन ली थी। तो कुछ भी नया नहीं लाए थे हम, क्योंकि बस त्यौहार तो करने ही पड़ते हैं, वरना फिर छूट जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा कर लिया था बस, जिससे छूटे ना हमारा त्यौहार। तो कुछ कपड़े वपड़े भी इस बार नहीं बनाए ना कुछ करा, वैसे भी मैं नहीं बनाती हूँ, अगर कभी मम्मी दे देती हैं तो वो साड़ी तैयार कर लेती हूँ, वरना अपनी जो फेरों की साड़ी होती है उसी को पहन लेती हूँ। और ये देखिए, मैं रोहिणी को यहाँ पर कुछ बता रही थी, और वो मुझसे पूछ रही थी, और वो नीचे बैठकर ये कैलेंडर लगा रही थी करवा चौथ के। और यहाँ से मैं नमक का डब्बा उठा रही थी। और ये देखिए, यहाँ पर रोहिणी आ गई थी मेरे पास में, और चावल की कटोरी ले ली थी उसने। तो बस आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने तैयार होकर खाना बनाया है। और ये देखिए, यहाँ पर बस मैंने सारा खाना इसी तरह से बना लिया था, और ऐसी इसी तरह से हम पूजा भी कर लेंगे। और पूजा की मैंने कोई क्लिप नहीं की, क्योंकि कोई शूट करने वाला भी नहीं था, और फिर अम्मा जी हमारी जो मम्मी है पास में बैठकर पूजा कर रही थी, तो बस मैं उनके सामने कुछ शूट वूट नहीं करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर सारा खाना तैयार होने वाला है। और पता, बच्चे बीच बीच में इतना परेशान करते रहते हैं, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, और हम काम भी भूल जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने
अपना सारा वो कर लिया। और ये देखिए बस सारा और काम चलो भी हुआ है। अब करेंगे आपसे थोड़ी सी बात। यहाँ पर आकर बस अब और रात के 10 बजने वाले हैं, सुबह से 5 बजे से लेकर अब तक ऐसे भाग दौड़ भरा रहा आज का करवा चौथ का दिन। तो अब मैं खाऊंगी खाना। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो चलो ब्लॉग को करेंगे एंड। और आपने कैसे कैसे करवा चौथ मनाई, क्या क्या किया बताना। मैंने तो छोटी छोटी क्लिप ऐड कर दी क्योंकि शूट करने का तो टाइम ही नहीं लगता त्यौहार वाले दिन। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बस इतनी थकावट सी हो गई थी अब, और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, और ये शिवांश ऊपर से परेशान करे जा रहा था। और मैंने बेड शीट उतार दी थी यहाँ की, क्योंकि इसने पता नहीं क्या गिरा दिया था, तो मैंने कहा अब इसको उतार के मैंने अलग रख दिया था। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।